मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको इंटीग्रेट कर देना है 1 upon cos square x into 1 minus tan x का whole square dx को इंटीग्रेशन करना है। आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप क्या कर देंगे, 1 upon cos square x को हम sec square x लिख सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos square x से डिवाइड करने पर हमें sec square x upon 1 minus tan x का होल स्क्वायर dx प्राप्त हो जाएगा। और इससे हमारा फायदा क्या होगा कि 1 minus tan x को हम t कह दें अगर, तो इसका जो है 1 का डिफरेंशियल 0, tan x का डिफरेंशियल जो है sec square x, तो 0 minus sec square x dx बराबर dt, that is sec square x dx, sec square x dx is equal minus dt हो जाएगा। और minus dt यहाँ पर sec square x dx is equal minus dt हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि numerator में sec square dx है, इसकी वैल्यू हम माइनस बाहर रख दिया, हमने dt रख दिया, और फिर आपका इंटीग्रल रिड्यूस हो गया t के टर्म में, 1 upon t square dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर t के डिनोमिनेटर में है, t के पावर 2 ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस 2 dt। अब हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n का यूज़ करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज माइनस t के पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 upon t plus c हो जाएगा, और t की वैल्यू रख दीजिए 1 upon 1 minus tan x plus c। यह रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो गया इस जो है एक्सप्रेशन का यहाँ पर। इसके बाद आप नंबर 26 देखें, 26 में cos root x upon root x dx को हमें इंटीग्रेट करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को हम t कहते रहे हैं, तो रूट एक्स बराबर t हो गया। इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं, x टू दी पावर n का डिफरेंशियल nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है, सो 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 डी एक्स इज इक्वल डी टी। इसको हम डिनोमिनेटर में कर देंगे तो 1 upon root x dx इज इक्वल 2 dt आपको मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 1 upon root x dx आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी वैल्यू 2 हो गई, 2 dt, और 2 आउट इंटीग्रल में cos t dt हो गया। और इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, cos t का sin t होता है, तो इंटीग्रेशन हमारा आ गया 2 sin t plus c, जिसमें t की वैल्यू हम रूट एक्स रख देंगे, तो 2 sin root x plus c यह रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा, दैट्स ऑल।